अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं साकी डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका दोस्त अहमद साकी। वेलकम टू कोर्स। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के अंदर आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिलेगा, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। पहले नंबर पे आ जाती है ड्राइंग, सेकंड नंबर पे आ जाती है डिज़ाइन थ्योरी, थर्ड नंबर पे आ जाती है बेस्ट सॉफ्टवेयर। ड्राइंग क्यों इंपॉर्टेंट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड के अंदर, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, जो यूट्यूबर्स वीडियोस ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बना रहे हैं, वो चीज़ें वो इंस्पायरेशंस बताती हैं डायरेक्ट गूगल से, पिंटरेस्ट से, मगर वो चीज़ें कभी क्रिएटिविटी बेस पे नहीं लेके जा सकते। वो एक कॉपी पेस्ट वाला काम हो जाएगा। मगर ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ड्राइंग आती होगी तो अपने लैंडस्केप्स बना सकते हो, अपने स्केच बना सकते हो, इवन हर चीज़ अपने खुद की क्रिएशन कर सकते हो। वहाँ से इंस्पायरेशन लेने से बेहतर है कि अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करो ड्राइंग के थ्रू, इस ग्राफिक डिज़ाइन फील्ड के अंदर। सेकंड नंबर पर आ जाती है डिज़ाइन थ्योरी, डिज़ाइन थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन थ्योरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती थी कि डिज़ाइन थ्योरी, टाइम पीरियड्स, 17th सेंचुरी में क्या डिज़ाइन थे, 18 में क्या थे, 19 में क्या है, अभी 2020 चल रहा है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं डिज़ाइन थ्योरी के बारे में, फॉन्ट्स के बारे में, फॉन्ट फैमिलीज कौन सी हैं, कलर स्कीम कौन से हैं, शेप्स क्या है, बेसिक टूल्स क्या है, सारी चीज़ें, इनकी सारी थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड में। थर्ड नंबर पे आ जाती है हमारी सॉफ्टवेयर्स पे, बेसिक सॉफ्टवेयर से फोटोशॉप, सेकंड नंबर पे आ जाते हैं इलस्ट्रेटर, और मजीद इसके अंदर एडोब फोटोशॉप के अलावा प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट एंड एडोब इन डिज़ाइंस, ये भी एक कंप्लीट एडोब फैमिली है। मगर ये तीन मेजर थिंग्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। और आइए चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ और मज़ीद आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। डिज़ाइन कोर्स, वेलकम टू साकी डिज़ाइन स्टूडियो। एंड वेलकम फ्रेंड्स, ये हमारा एक डैशबोर्ड है, डॉक्यूमेंट खोला हुआ, एक जस्ट रफ डॉक्यूमेंट है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, जिस दो मेजर सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बताया था उनमें से एक ये है एडोब इलस्ट्रेटर। मैंने ऑलरेडी एक एडवांस लेवल का वर्जन खोल के रखा हुआ है, ये एडोब CC 2019 है। आप फ़र्ज़ करें शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट 2019 पे ना आए, आप कोई CS4 या CC 2015 या 14 से स्टार्ट करें, वो आपके लिए बहुत अच्छे वर्जन है। मुझे बहुत पसंद है, मैं भी काफ़ी टाइम वही यूज़ किया करता था, खैर अब तो इस पे आ गया हूँ। सो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के बारे में भी आपको चल के बताता हूँ क्या क्या चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, जो आप लोगों ने इनके अंदर प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीज़ें आपने कवर करनी है फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ तक। आप अगर ये बेसिक चीज़ें कवर कर गए ना, यकीन करें आप कंप्लीट ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। आपको पता होगा कि मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है, कितना टाइम लगेगा, हर चीज़ का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले हमारी इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि बेसिक चीज़ जो है वो ड्राइंग है, बेसिक चीज़ हमारी ड्राइंग है। ड्राइंग कितनी इंपॉर्टेंट है ये जब आप काम स्टार्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग कोई भी काम करते हैं, जैसे कि हम लोग कोई लोगोज़ बनाते हैं या हम कोई लैंडस्केप्स वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए भी हमें ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है। या कोई भी रफ आइडिया अगर हमारे पास है तो उसको हम डिज़ाइन पे लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम ड्राइंग करते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाती है हमारी बेसिक शेप्स। ये बेसिक शेप्स, डिज़ाइन शुरू ही बेस शेप से होती है। कोई भी आप काम करें, बेसिक शेप्स का आपको पता होगा, फिर आप इसके साथ प्ले करके अपनी डिज़ाइंस बना सकते हैं। स्टार्टिंग कंप्लीट जो चीज़ें होती हैं वो बेसिक शेप से निकलती हैं। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आ जाती है कलर स्कीम, क्योंकि जब आप कोई डिज़ाइन बना लेते हैं तो आप फ़र्ज़ करें सिंगल कलर में बना लेते हैं, ब्लैक या वाइट में, तो आप कलर स्कीम प्ले करना चाहते हैं, तो इसके अंदर कलर स्कीम मौजूद है। आप किस कलर स्कीम में आप प्ले कर सकते हैं, कौन सा कलर आपके लोगों के लिए बेस्ट है, कौन सा कलर आपकी वेबसाइट के लिए बेस्ट है, कुछ भी कलर यूज़ कर सकते हैं।
फोर्थ नंबर पे आ जाती है हमारी फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली मतलब फॉन्ट स्टाइल्स। फ़र्ज़ करें आपने कोई लोगो बनाया है, आप चाहते हैं कि मेरे लोगो का फॉन्ट कैसा होना चाहिए, स्टाइल कौन सा होना चाहिए, थिक होना चाहिए, थिन होना चाहिए, ये सारा चीज़, ये चारों चीज़ें आपने कवर कर ली बेसिक शेप्स की, आई एम श्योर कि आप फिर आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी काम करने में, और आप आराम से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कवर कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। क्योंकि ये सारी चीज़ें फ़र्ज़ करें हम इसको निकाल देते हैं, तो ये जो तीन चीज़ें तीन कैटेगरीज, बेसिक शेप्स, कलर स्कीम, फॉन्ट फैमिलीज, ये बेसिकली टूल्स पे डिपेंड करती है, हमारे सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट खोला हुआ है जिसपे आप देख रहे हैं, ये देखें, ये बेसिक शेप है, मैं आपको बेसिक शेप्स और दिखा देता हूँ, एक वन लाइन बेसिक शेप्स हैं। अब ये देखें, और मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ये बेसिक शेप्स कैसे बनाते हैं और इनके साथ प्ले कैसे करते हैं और इनके साथ क्या क्या बेसिक शेप्स को हम कैसे प्ले कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस में, और मज़ीद इनके अंदर हम वेरिएशंस कैसे बना सकते हैं। ये देखें बेसिक शेप्स मैंने आपके सामने बना दिए। अब ये तो कलर में नहीं है, ब्लैक है जैसा मैंने आपको बताया था। फर्ज़ करें हम इसको कलर में बना देते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे, ये देखें अब कलर स्कीम मैच नहीं हो रही। जब एक चीज़ आप पढ़ेंगे इसके बारे में, कलर स्कीम के बारे में, कि कौन सी कलर स्कीम किस शेप के लिए बेस्ट है, लोगों के लिए है, जैसा कि हम मेडिकल के लिए रेड यूज़ करते हैं, ब्लू यूज़ करते हैं, ग्रीन यूज़ करते हैं, क्योंकि मेडिकल तीनों चीज़ों को शो करता है, रेड, ग्रीन और ब्लू, इमरजेंसी और सेफ्टी इन तीनों। अब ये देखिए, ये कलर स्कीम मैंने प्ले की है, ये सही नहीं लग रही है, मगर जब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कलर स्कीम कौन सी यूज़ करनी है, किस के लिए यूज़ करनी है, और फ़ॉन्ट्स कौन से यूज़ करने हैं, कहाँ पर यूज़ करने हैं, बेसिक फ़ॉन्ट्स कौन से हैं और स्टाइलिश फ़ॉन्ट कौन से हैं, और उसके बाद जो आ जाता है हमारा प्रोसेस डिज़ाइन का। सर जब ये आप सारी चीज़ें कवर कर जाएंगे उसके बाद आ जाएंगे डिज़ाइन प्रोसेस में, आप कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे इसी सरफेस पे, इसी डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट के अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये है, मैंने एक नया डॉक्यूमेंट खोला है, ये नया डॉक्यूमेंट, ये तो एडवांस लेवल का है, खैर अब पुराने वर्जन्स में ऐसे स्क्रीन नज़र नहीं आती, वो कुछ और स्टाइल से नज़र आती है। ये देखें, यहाँ पे ऑलरेडी हर साइज़ की फ़ाइल मौजूद है, आप किसी भी साइज़ की फ़ाइल उठा सकते हैं, उसी पे काम कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे चाहते हैं कि मोबाइल की साइज़ होना चाहिए, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, iOS एप्लीकेशंस के लिए, वेब है, वेबसाइट्स के लिए, प्रिंट के लिए, प्रिंट ग्राफिक्स वगैरह, फ्लेयर, ब्रोशर, फिल्म एंड वीडियो के लिए, अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक अलग से स्क्रीन है, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। ये आर्ट के लिए, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए कुछ भी बना सकते हैं, इसके लिए कोई भी आप यहाँ से डॉक्यूमेंट क्लिक कर सकते हैं। ये देखें, मैंने आपको पोस्ट कार्ड का दिखाया, ये देखें पोस्ट कार्ड का खुल गया। ऐसे ही आप ग्राफिक्स के अंदर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आगे जाएंगे। और सबसे पहले ये आपने तीन चार चीज़ें कवर करनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ये चार चीज़ें आपने आराम से कवर करनी है। ये आप कवर कर गए आराम से तो आई एम श्योर कि आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में, ड्राइंग के, शेप के, कलर स्कीम्स के बारे में या फॉन्ट्स के बारे में। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के अंदर इन चीज़ों के अंदर लेके जाऊंगा, बेसिक शेप्स को प्ले करके नए डिज़ाइंस बनाऊंगा, कलर स्कीम्स प्ले करके दिखाऊंगा अलग अलग वीडियोस के अंदर, फॉन्ट्स कौन से यूज़ होते हैं, किसके लिए यूज़ होते हैं, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।